आज के इस वीडियो में हम कुछ एडजेक्टिव के बेसिक एक्सरसाइज बनाएंगे। एडजेक्टिव के बेसिक को हमने पहले वीडियो में समझा है, एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव को पहचानते कैसे हैं, कितने तरीके का एडजेक्टिव होता है। आज हम थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करेंगे और बीच बीच में उसके साथ साथ ही हम थोड़ा सा उसमें वोकैब का तड़का लगाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव मैं आपको बस एक इंट्रो दे दूं। एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है हमें, कुछ उसमें ऐड करता है। जैसे दिस इज अ ब्लैक पेन, तो पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा है, ब्लैक है। ब्लैक वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन क्या है, पेन। लाइक दिस एक सेंटेंस है, शी गेव मी अ लार्ज केक। इन सारे सेंटेंसेस में हम एडजेक्टिव को सर्किल करेंगे, नाउन को अंडरलाइन करेंगे। ठीक, अब इसमें एडजेक्टिव कौन है, बेसिकली हमें पहचानना है और कुछ नहीं करना। सी गेव मी अ लार्ज केक, उसने मुझे एक लार्ज केक दिया। नाउन कौन सा है, केक नाउन है। क्या दिया, केक दिया। कैसा दिया, लार्ज केक दिया। ये एडजेक्टिव है, बस हमें यही करना है, हमें एडजेक्टिव को पहचानना है सेंटेंस के अंदर। दूसरा सेंटेंस है, आ फ्रेंडली डॉग नेवर बाइट्स। अ फ्रेंडली डॉग नेवर बाइट्स। एक फ्रेंडली डॉग जो है, जो ऐसा डॉग है जो फ्रेंडली है, मतलब मिला जुला हुआ है, खुला मिला हुआ है ना। इसके साथ मैं फ्रेंडली हूं, आप फ्रेंडली है, जो भी उसके साथ है वो फ्रेंडली है, वो कभी काटता नहीं है, जो फेमिलियर है उससे। ठीक है, कौन है इसमें एडजेक्टिव, डॉग नाउन है। डॉग की विशेषता बता रहा है, कैसा डॉग, फ्रेंडली डॉग, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है ना। अब एडवर्ब कौन है, बाकी चीजें वो हम पहले एडजेक्टिव पहचानते हैं, है ना। नाउन एडजेक्टिव आप पहचानिए, नाउन एडजेक्टिव आप पहचान लेंगे, फिर एडवर्ब बताएंगे आपको, एडवर्ब पहचानना क्या होता है, एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, प्रीपोजिशन कैसे पहचानते हैं। एक सेंटेंस के अंदर जो भी है पार्ट ऑफ स्पीच सारा पहचानना है हमें, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें वो क्या आपका तड़का थोड़ा सा लगाते हैं, ताकि आपको बीच बीच में अच्छा लगेगा ये और बोरिंग नहीं होगा। कैसे लगाएंगे तड़का, अब देखिए, फ्रेंडली, फ्रेंडली से कुछ डॉग से कुछ बाइट से ऐसे हम कुछ वोकैब्स कुछ प्रोवर्ब्स ऐसा पढ़ेंगे। फ्रेंडली पे एक प्रोवर्ब है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मतलब क्या है, ये मैं फ्रेंड पे एक प्रोवर्ब बता रहा हूं आपको, वो फ्रेंड जो नीड में काम आता है, जो जरूरत में काम आता है, वही आपका वास्तविक फ्रेंड है। यानी सच्चा मित्र वही है जो वक्त पे काम आए, इसको इंग्लिश में कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इन डीड मतलब वास्तव में, है ना। अ फ्रेंड इन डीड मतलब वास्तव में। बाइट्स पे एक प्रोवर्ब देखते हैं, डॉग पे ही है वो, अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, ऐसे कहते हैं। अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, ऐसा है नहीं वैसे, कहने का मतलब यह है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, ये प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब क्या होती है, कहावतें, है ना। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, ये सब हिंदी की कहावतें हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, हम एडजेक्टिव पहचान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, अ स्पोर्ट्स, द स्पोर्ट्स कार, द स्पोर्ट्स कार belongs to my father. The sports car belongs to my father. Sports car जो है वो मेरे फादर से belong करता है,
मतलब मेरे फादर का है, ठीक है। नाउन कहाँ है इसमें? कार नाउन है, फादर नाउन है, ठीक है। क्यों नाउन है ये? किसी की चीज का नाम है। नाउन क्या है? किसी चीज का नाम है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका एडजेक्टिव है स्पोर्ट्स। वैसे स्पोर्ट्स नाउन हो जाता है, लेकिन यहां पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे आई लाइक स्पोर्ट्स, यहां नाउन है ये स्पोर्ट्स, यहां एडजेक्टिव है ये। वो डिपेंड करता है कि काम क्या कर रहा है। जैसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई वर्ड है वो हमेशा नाउन की तरह काम करेगा। जैसे टेबल है, वो आप की तरह भी काम कर देगा। है ना, जैसे पेन है, वर्ब की तरह काम कर देगा। कैसे? पेन तो नाउन होता है, बट अगर हम लिख दें आई हैव पेन अ लेटर, तो मतलब क्या हुआ? मैंने एक लेटर लिखा है। पेन यहां वर्ब हो गया, ठीक है। ओके, आई लाइक स्पोर्ट्स, यहां पे स्पोर्ट्स आपका एडजेक्टिव है। और कौन एडजेक्टिव है इसमें? फादर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पढ़ा था हमने, जो पोजेशन बताता है, माई फादर, मेरे फादर, तो ये फादर की विशेषता बता रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द नॉवेल हैज 500 pages. इस नॉवेल में 500 pages हैं। ओके, तो क्या मतलब इसका? एडजेक्टिव इसमें कौन है? नॉवेल नाउन है, इसके आगे कोई एडजेक्टिव एज सच नहीं है, आर्टिकल लगा हुआ है। और कौन सा है? pages नाउन है, pages के आगे लगा हुआ है 500, ये एडजेक्टिव है, नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पढ़ा था हमने 1, 2, 3, 4, 5, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसकी विशेषता ये बता रहा है। आई होप कि आप धीरे धीरे पहचान रहे हैं कि एडजेक्टिव कौन है और नाउन कौन है। आई कैनॉट स्टिच, आई कैनॉट स्टिच विथ अ स्मॉल नीडल, मैं एक छोटे से सुई से स्टिच नहीं कर सकता हूं। ओके, इसमें एडजेक्टिव कौन है और नाउन कौन है पहचानो। नीडल नाउन है, है ना, नीडल नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है स्मॉल, ये एडजेक्टिव है, ये भी नाउन है लेकिन इसके साथ एडजेक्टिव नहीं है कोई, सॉरी यहां पे वर्ब है, ये आई कैनॉट स्टिच है ना, यहां पे वर्ब है। ये नाउन कब बन जाएगा? कभी कभी जैसे अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये कहावत है, प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यहां पे ये नाउन बन गया, जैसे वहां पे स्पोर्ट्स नाउन बन गया था, है ना। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब होता है कि वक्त पर लगाया हुआ एक टाका वे वक्त के लगाए हुए 100 टाकों से बेहतर होता है। यानी कि वक्त पे कोई चीज रिपेयर हो जाता है तो वो अच्छा है, उससे वो चीजें बढ़ती नहीं है। स्टिच इन टाइम, टाइम पे स्टिच लग गया, एक टाका भी लग गया तो बाद के 9 टाके से बेहतर है, वो बाद में नहीं लगाएंगे तो बाद में 9 टाके लगेंगे, वो चीजें बड़ी हो जाएंगी, वो रिपेयर ज्यादा मांगेगा। ओके, तो ये इस पे प्रोवर्ब था। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द फर्स्ट बॉय इन द क्यू इज माई ब्रदर, तो पहला लड़का जो है लाइन में वो मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। नाउन कौन है इसमें? ब्रदर नाउन है, ब्रदर की विशेषता बता रहा है, माई एडजेक्टिव है। अब आप पहचानने लग गए हैं आई होप।
है ना, काफी एग्जांपल बना लिया हमने, ठीक है। थोड़े से सेंटेंसेस मैं स्किप करूंगा, कोई कोई सेंटेंस मैं स्किप कर दूंगा, वो आपको मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें से आप बनाएंगे उसको, ओके। एक सेंटेंस लेते हैं, द कॉन्फिडेंट म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, जो कॉन्फिडेंट म्यूजिशियन था उसने गिटार बजाया, ठीक है। इसमें नाउन कौन है, कॉन्फिडेंट, सॉरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है, कॉन्फिडेंट, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, म्यूजिशियन की, ठीक है। म्यूजिशियन नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है, कैसा म्यूजिशियन, कॉन्फिडेंट म्यूजिशियन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है, उस म्यूजिशियन की क्वालिटी बता रहा है ये, ओके। इससे थोड़ा सा वोकैब निकालते हैं म्यूजिक से, टू फेस द म्यूजिक, एक idiom है, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट खाना, क्या खाना, डांट खाना, जब हमें सीनियर से बड़ों से किसी गलती के लिए डांट खाना पड़ता है, दैट मीन्स वी हैव टू फेस द म्यूजिक, उनकी कही उनकी खड़ी खोटी बातें सुननी पड़ती हैं, है ना, वी हैव टू फेस द म्यूजिक। गिटार एक और idiom है, टू प्ले सेकंड फिडल, सेकंड फिडल, फिडल भी एक गिटार जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑलमोस्ट गिटार जैसा ही होता है, ठीक है, उसको फिडल बोलते हैं। तो टू प्ले द सेकंड फिडल एक idiom है, जिसका मतलब होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल लीडिंग रोल पे नहीं है, पीछे हैं। जैसे एक आदमी आगे गिटार बजा रहा है, जो बढ़िया जो बेस्ट प्लेयर है वो आगे गिटार बजा रहा है, उसके पीछे चार लोग और बजा रहे होते हैं, ठीक है, दे आर प्लेइंग द सेकंड फिडल, वो सेकंड फिडल प्ले कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दैट वन जो आगे बजा रहा है, वो उतना अच्छा नहीं बजाता जितना पीछे वाला, पीछे वाला सेकेंडरी है, आगे वाला बहुत, आगे वाला बेस्ट है, ठीक है। तो जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि हम सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर प्लेइंग द सेकंड फिडल, ओके। इस तरीके से आप एडजेक्टिव को पहचान रहे हैं। आप कुछ सेंटेंसेस मैं छोड़ दे रहा हूँ एडजेक्टिव वाले, ठीक है। अब हम कुछ एक नया एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे। वी सी क्लाउड, वी सी क्लाउड इन द रेनी वेदर, इन द रेनी वेदर, हम लोग क्लाउड देखते हैं, बादल देखते हैं, कब, बरसात के मौसम में। इसमें आपको एडजेक्टिव ऐड करना है, कहां पे, नाउन के साथ, क्लाउड है नाउन आपका, दूसरा नाउन है वेदर, एक एडजेक्टिव तो है इसके साथ, ये एडजेक्टिव है, किसको बता रहा है विशेषता, वेदर की विशेषता बता रहा है, कैसा वेदर, रेनी वेदर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये। इसके आगे एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाना है आपको, क्लाउड के आगे क्या लगा सकते हैं आप, डार्क क्लाउड, ब्लैक क्लाउड, है ना, डेंस क्लाउड, घना बादल देखते हैं, कुछ भी लगा दीजिए, डार्क, डेंस, ब्लैक, ऐसा एक वर्ड हमें इसके आगे लगाना है, ओके। तो इस तरीके से एडजेक्टिव हम बेसिकली हम एडजेक्टिव पहचान रहे हैं, एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा वोकैब का तड़का लगाते हैं यहाँ पे, क्लाउड के साथ, एट क्लाउड नाइन, या फिर इसको ऐसे कर लो, टू बी एट क्लाउड नाइन, मतलब क्लाउड नाइन पे होना, यानी कि बहुत खुशी की अवस्था में होना, चरम प्रसन्नता की अवस्था में होना, जब कोई अपने खुशी के सातवें आसमान पे होता है, गोल्ड मेडल लेके आता है जब, ऐसी वाली खुशी, तो उसको कहते हैं ही इज एट क्लाउड नाइन, मतलब वो नौवें आसमान पे, मतलब सातवें आसमान पे, उसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड नाइन, ठीक है।
क्लाउड नाइन मतलब बहुत खुश होना, टू बी एट क्लाउड नाइन मतलब। वेदर से एक इडियम पढ़ते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर क्या, वेदर मतलब मौसम है ना, अ फेयर वेदर मतलब अच्छा वेदर। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है ऐसा फ्रेंड जो आपके अच्छे समय में आपके साथ है, जो आपके अच्छे समय में आपके साथ है वो फेयर वेदर फ्रेंड है, और जो बुरे समय में साथ है वो आपका असली दोस्त है, है ना। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है मतलबी दोस्त। ओके, फ्रेंड, फ्रेंड का उल्टा क्या होता है, फो, फ्रेंड एंड फो, फो मतलब दुश्मन, एनिमी तो आप जानते हैं। फ्रेंड के साथ एक एफ से ही चूंकि ये स्टार्ट होता है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में आता है, फ्रेंड एंड फो, दोस्त और दुश्मन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, रोहन गॉट आउट ऑफ द बस। रोहन बाहर हो गया बस से, एक एडजेक्टिव ऐड करना है। नाउन कहाँ है, नाउन यहां है बस। बस के आगे एक एडजेक्टिव लगाएंगे, कैसे लगेगा, क्या लगा सकते हैं, रोहन गॉट आउट ऑफ द मूविंग बस, रोहन मूविंग बस से उतर गया। अब मूविंग कैसे एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये हम जब जीरण पार्टिसिपल पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा आपको, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मूविंग भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है, नॉन फिनिट पढ़ेंगे तब। और क्या एडजेक्टिव लगा सकते हैं बस के साथ, फ्रॉम द क्राउडेड बस, ऐसे कह सकते हैं आप, रोहन गॉट आउट ऑफ द क्राउडेड बस, रोहन जो है वो क्राउडेड बस से उतर गया, ठीक है, ये भी पार्टिसिपल है। तो बहुत सी चीजें पढ़नी है, पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन पहले हम बेस अपना ठीक करते हैं, एडजेक्टिव का बेस आज हम ठीक कर रहे हैं अपना, ठीक है। बस से एक इडियम पढ़ते हैं, टू मिस द बस, टू मिस द बस का मतलब होता है टू लूज द अपॉर्चुनिटी। मौका खो देना, अवसर गवा देना, ठीक है, टू मिस द बस, या फिर हम इसको कहते हैं दूसरे वर्ड में टू मिस द बोट, मिस द बोट भी कहते हैं इसको, दोनों का मतलब एक ही होता है, टू मिस द बोट, टू मिस द बस का मतलब होता है मौका खो देना। तो इस तरीके से क्या है, देखिए जब तक आप idiom को, words को, proverbs को मजे लेके नहीं पढ़ेंगे, interestingly नहीं पढ़ेंगे, उसमें interest develop नहीं करेंगे, तब तक वो आपको भारी लगेगा, और जब तक वो आपको भारी लगेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। जब वो आपको मजा आने लग जाए उसमें, समझिए कि आपका काम हो रहा है, now you are getting to your goal, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाए, वो कैप को इसके साथ साथ एड ऑन करके। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जिसमें हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे। ओके, माय फ्रेंड गेव मी अ पेन ऑन माय बर्थडे। मेरे दोस्त ने मुझे एक पेन दिया मेरे बर्थडे पर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑन करेंगे, एडजेक्टिव ऐड करेंगे। पहले तो फ्रेंड नाउन है, उसके साथ एडजेक्टिव पहले लगा हुआ है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, पोजिशन वाला, माय, योर, हिज, हिम, हिम नहीं, हिज। उसके बाद एडजेक्टिव नाउन कहाँ है, यहां नाउन है पेन, पेन के आगे एक एडजेक्टिव लगा दीजिए, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, कुछ भी लगा दो, नाइस पेन, ब्यूटीफुल पेन, कॉस्टली पेन, है ना, ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे पे, बर्थडे के आगे भी एडजेक्टिव लगा हुआ आपका, तो यहां पे आप एक एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। आई होप कि आपका एडजेक्टिव क्लियर हो रहा है, ठीक है। द डॉग, ये लास्ट सेंटेंस है, द डॉग बार्क्ड एट मी, डॉग ने मेरे ऊपर भौंका, नाउन है, एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, नाउन क्या क्या, एडजेक्टिव लगा दीजिए। स्ट्रीट डॉग, जो गली का कुत्ता था वो मेरे ऊपर भौंका, हो गया, एडजेक्टिव लग गया इसके साथ। तो मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है, कहाँ है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, उसको हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आई होप कि मैंने काफी हद तक इसको क्लियर किया है। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस चाहिए होगी इसमें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब एक काम और आप करेंगे कि कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे आप, यू विल मेक सेंटेंस, आप कुछ सेंटेंस बनाएंगे इससे, कुछ एडजेक्टिव से। पहला एडजेक्टिव है आपका ग्रीन, दूसरा एडजेक्टिव है आपका सिल्की, तीसरा एडजेक्टिव है आपका ब्राइट, चौथा एडजेक्टिव है वार्म, और पांचवा एडजेक्टिव है आपका ऑनेस्ट। बस ज्यादा नहीं, ये पांच, कम से कम इस पांच वर्ड से, पांचों एडजेक्टिव, पांचों वर्ड को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हुए एक छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है। देखिए जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा आप गुड़ डालेंगे उतना ज्यादा मीठा होगा, सीधे सा प्रिंसिपल है। मेरे पढ़ने से, मेरे पढ़ाने से आपका अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा, और जितना चलेंगे आप उतना बेहतर होते चले जाएंगे। एडजेक्टिव के साथ ये वोकैब वाला कंपोनेंट कैसा लग रहा है आपको, या मतलब ग्रामर के साथ मैं आगे ऐसे वोकैब इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ाऊं, या वोकैब तो अलग से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको पढ़ाता भी रहूंगा मैं, बट वोकैब इसके साथ साथ जो मैं करा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, इस पर आपके कमेंट्स चाहिए होंगे, ताकि मैं उसी हिसाब से उसको करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।